अभी इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके डीडी फ्रीडिश को लेकर ही करेंगे। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले आपके बीच एक वीडियो में बताया कि किस तरह से जो है आपके देखे जाने वाले पेड चैनल जिसमें जियन मॉल, स्टार उत्सव, सोनी पल और कलर्स रिश्ते के बारे में बताया था, तो उन चैनल्स के बारे में जो जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई थी उसके कुछ दिनों बाद ही अब जो है एक ऑफिशियली आर्टिकल भी रिलीज हो गया है जिसके अंदर भी यही जानकारी आपके लिए दे दी गई है कि ये जो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके डीडी फ्रीडिश में लॉन्च होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कह लिया जाए तो हमारी ओर से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो स्टिक बैठती है, हमारी ओर से कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन आपके बीच नहीं फैलाई जाती। जो हमारे बीच सूचना आती है, जो भी हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे बीच खबरें आती हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा तो यही मानना है कि किसी भी तरह से कोई भी फालतू वीडियो बनाकर ना दी जाए, ना तो आपका समय मैं खराब करना चाहता हूं और ना ही मैं अपना समय वीडियो बनाकर खराब करना चाहता हूं। इसीलिए हमने जो आपके बीच जानकारी दी वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई है। आप सामने जो है आर्टिकल में देख भी सकते हैं कि इसमें भी बकायदा यही जानकारी दी गई है कि जियन मॉल, सोनी पल, स्टार उत्सव, कलर्स रिश्ते के जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जिसमें जी, सोनी, स्टार और वाईकॉम, ये चारों के चारों जो है वो इसी कोशिश में है कि जल्द ही अपने चैनल्स को वापिस से डीडी फ्रीडिश में लॉन्च कर दिया जाए। इसके पीछे दो कारण जो है उन्होंने सबसे बड़े बताए हैं, जिसके पीछे उन्होंने दो बड़ी वजह बताई हैं जिसके लिए वो डीडी फ्रीडिश में वापसी अपने चैनल्स को लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आपको वो जानना है तो चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और इस वीडियो को पूरा भी जरूर देखिएगा। बताना चाहूंगा कि जो चार बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनकी ओर से चैनल्स डीडी फ्रीडिश में काफी सालों से दिखाए जा रहे थे, उन्होंने क्या किया था कि साल 2019 में अपने सभी चैनल्स को बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपने चैनल्स को लॉन्च कर दिया था जो कि साल 2021 की बात है, और 2022 में आकर अप्रैल में एक बार फिर से इन्होंने अपने हिंदी जर्नल एंटरटेनमेंट चैनल्स को हटा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, हिंदी मूवी के जो चैनल्स हैं उसको बरकरार रखा, बनाए रखा, क्योंकि हिंदी मूवी चैनल से इतना ज्यादा कुछ नुकसान ज्यादा नहीं होता है जितना एक हिंदी एंटरटेनमेंट की वजह से होता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये एक प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म्स का कहना है, उनके मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा यहां पर, लेकिन अब समझदार है कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो कि चाहती नहीं है कि इन चैनल्स को डीडी फ्रीडिश की ऑडियंस के लिए दिखाया जाए, और वही वजह है कि इन ब्रॉडकास्टर्स को मजबूरी में आप सभी के लिए इन चैनल्स को डीडी फ्रीडिश से हटाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात तो देखी गई है वो यही है कि इस बदलाव के बाद भी उस डीटीएच प्लेटफॉर्म को कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ जिसके लिए उसने इन चैनल्स को डीडी फ्रीडिश से हटवाया था, और दूसरी बात रही इन चैनल्स को, तो इन चैनल्स को भी हटकर कुछ खास फायदा नहीं मिला बल्कि नुकसान ही हो रहा है, और ब्रॉडकास्टर्स इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर इन चैनल्स को वापस से नहीं लॉन्च किया गया तो आने वाले समय में क्या होगा, इन चैनल्स को बंद करना पड़ जाएगा। यानी कि ब्रॉडकास्टर को इन चैनल्स को हमेशा के लिए ही शटडाउन करना पड़ जाएगा, बंद करना पड़ जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि ब्रॉडकास्टर्स इस तरह के जो है नौबत आने देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डीडी फ्रीडिश में हम पहले भी उपलब्ध रहे हैं, वो के लिए हम अपने चैनल्स को दिखाते रहे हैं, तो एक बार फिर से अपने चैनल्स को लॉन्च करने में क्या हर्ज है। ये बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके मन में क्या फैसला है, आप क्या सोच रहे हैं इन चैनल्स के बारे में, क्योंकि ये जो चैनल्स है वो अभी आने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि लॉन्च होने के लिए भी जगह चाहिए, और जगह फिलहाल प्रसार भारती ने डीडी फ्रीडिश में जो है रखी नहीं है, खाली कोई स्लॉट नहीं है, तो इन चैनल्स को मौका मिलना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन चैनल्स वापसी आने की पूरी कोशिश में है, तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये मौका हाथ से जाना नहीं देंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो इन चैनल्स को लेकर, क्या आप चाहते हैं इन चैनल्स को वापसी लौटना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि आग में चली तो देखिए चलती रहेगी, आ जाएंगे कल जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर जाएंगे, तो ये जो हालात है दोस्तों वो तो इन चैनल्स ने बना ही दिए हैं, अपने भी और आपको भी तंग करने के जो है उन्होंने हमेशा सोच रखी है, तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बाकी जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।